हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा ये पार्ट टू है जो पहले मैंने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाया था, जो पार्ट वन था मेरा। और अभी ये जो मैंने पार्ट टू बना रहा हूँ, ये मेरा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर डायग्राम है, जो आपको आई होप हेल्प करेगा। ये मेरे लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री है, थ्री फेज सिस्टम है। तो ये मेरा जो लाइन वोल्टेज 380 है दोनों फेज के बीच में, इधर इधर से इधर काउंट करूंगा तो 380 आएगा, इधर से इधर करूंगा तो 380 आएगा। अगर फेज वोल्ट में अगर यहाँ पे न्यूट्रल ले लूँ, एक ये न्यूट्रल ले लूँ तो न्यूट्रल और इसके बीच में 220 वोल्ट आएगा। तो मेरा 380 का ये पावर है, थ्री फेज आया मेरा इधर MCB में। ये मेरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सिंबल है, ये ओवरलोड का MCB का सिंबल है। तो इस तरह से ये थ्री पोल का MCB है, तो ये सेपरेट सेपरेट आते हैं, भले ही वो साथ में ऑन ऑफ होते हैं, उनको ऊपर से ऐसे जोड़ दिया जाता है, बाकी अंदर सेपरेट सेपरेट रहते हैं अलग अलग टर्मिनल, क्योंकि शॉर्ट ना हो। तो ये MCB है मेरा, जैसे मैंने इधर पावर ऑन किया इसका, तो पावर मेरा क्रॉस हुआ, MCB ऑन करते हैं मेरा पावर आई। ये है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, जो हमारी मोटर को ओवर करंट से वो प्रोटेक्शन करेगी। जैसे ही ओवर करंट लेगी, फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेगी, तो मेरी मोटर हम लोग की मोटर जो है सेफ हो जाएगी, ये ट्रिप कर देगा। फुल लोड जब भी मोटर जलती है तो उसका कारण यही होता है कि वो अपने FLC से करंट ज़्यादा लेती है, फुल लोड करंट ले लेती है। तो जब वो फुल लोड करंट ले लेती है तो उसका इंसुलेशन फेल हो जाता है और वायरिंग चल जाती है। ये ऐसा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन MCB लगाया। तो वो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा ट्रिप कर देगी, तो हमारी मोटर ज़्यादा करंट नहीं ले पाएगी अपने फुल लोड करंट से और सेफ हो जाएगी, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट नहीं है और ओवर करंट लेने लगी हमारी, किसी वजह से बेरिंग जाम हो गया या कुछ और हो गया, तो उस टाइम में हमारी मोटर में ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देगा। तो अभी हमारा RYB सीधा इधर आया है, ये हमारा कॉन्टेक्टर वन है फॉरवर्ड का, इसमें हमारी मोटर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी। और ये हमारा रिवर्स का है कॉन्टेक्टर टू, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब होगा क्या, इधर से मेरा RYB मतलब लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री जैसा सीधा सीधा आया और इस कॉन्टेक्टर वन फॉरवर्ड को मिला, और ये मेरा मोटर की तरफ गया सीधा। RYB देखें, सीधा वायर गया है सीधा, और मेरी मोटर रन होगी। ये तीनों पॉइंट इधर के हमने शॉर्ट कर दिए। ये देखें, आपको बताता हूँ, ये U1 टर्मिनल है, ये V1 टर्मिनल है, ये W1 है, और ये हमारा W2, U2 और V2 है। तो W2, U2, V2 को हमने इसे शॉर्ट कर दिया, U1, V1 और W1 को हमने मोटर के इधर पावर दे दिया। तो अब होगा क्या, हमारा इससे सीधा पावर आएगा, MCB ऑन है, ओवरलोड ट्रिप नहीं है, एकदम अच्छा करंट ले रही है हमारी मोटर, जितना चाहिए उतना, और हमारी मोटर ये कॉन्टेक्टर ऑन है, जो हमने पिछले कंट्रोल वायरिंग में बताया था। तो हमने जैसे ही ऑन कर दिया, कॉन्टेक्टर ये मेक हो गया, इधर क्लोज हो गया, और हमारा पावर इस मोटर को गया, और हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगी, और हमारी मोटर से हमने फॉरवर्ड में काम ले लिया। जब हमें रिवर्स में काम लेने की ज़रूरत है, मान लो एक कुएं में हमने बाल्टी डाली, फॉरवर्ड में डाल दी, अब निकालनी है वापस, तो उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा ना पुली को, तो मोटर भी तो उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो अब इसी तरीके से वो आया, सेम वही है, लेकिन हमने क्या किया, इधर भी आप देखें, हमने ये सेम रेड फेस है जो रेड से उठाया रिवर्स के लिए, और ये सेम रेड, ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, सेम रेड ऐसे ही जाएगा इधर से, ये देखें, ये ऐसे जाएगा। इस टाइम हमारा ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा,
और ये वाला जब चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड में काम ले चुके हैं, अब हमें रिवर्स में लेना है, तो हम एक बार स्टॉप कर देंगे, स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये मोटर बंद हो जाएगी। फिर दूसरा बार हम इसका जो स्टार्ट पुश बटन है वो दबाएंगे तो हमारा मोटर का कॉन्ट्रैक्टर ये ऑपरेट हो जाएगा, और हमारा ये इधर से देखें, मैंने रेड का ज्वाइन दे दिया है ओवरलोड के बाद से, ये इधर से आएगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओ अभी ऑन हो गया, तो ये क्लोज है पॉइंट, और ये ऐसे जाएगा रेड में, रेड चला जाएगा और ये हमारी मोटर को चला जाएगा। सेम वही है, टर्मिनल इधर आ गया। दूसरा फेज हमारा जो हमने इधर देखो येलो दिया था, अभी हमने क्या किया, ये येलो की जगह ब्लू दे दिया, तो लाइन टू की जगह लाइन थ्री दे दिया हमने, तो अब क्या होगा, ये देखें ब्लू गया ये, और इधर जो लाइन थ्री की जगह हमने क्या किया, ये लाइन टू दे दिया, येलो दे दिया, देखें ये येलो दे दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें आप देखें तो येलो और ये ब्लू है ना, तो हमने ब्लू को क्या किया इस कॉन्ट्रैक्टर में इधर दे दिया, और येलो को क्या किया इधर दे दिया, दिया किस में, इस रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में। तो हमने अभी कर दिया क्या है, जो इधर रेड येलो ब्लू सीक्वेंस था, हमने इधर ब्लू की जगह येलो दे दिया, निकाल दिया है, और येलो की जगह ब्लू निकाल दिया है, और ये रेड अपनी जगह ही है। तो इस तरह से हमारी मोटर अब क्या करने लगी, रिवर्स में रन होने लगी। तो इस तरह से हम मोटर को अपनी रिवर्स फॉरवर्ड कंडीशन में घुमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिकल में भी ये ऐसा ही होता है। मान लो अगर मैंने ये लगा दिया, फिर हमारी मोटर इधर में रिवर्स घूमने लग गई और इधर में फॉरवर्ड घूमने लग गई, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ऊपर से किनी दो फेज को उठा के इधर से इधर कर दूंगा, या मान लो येलो और ब्लू को इधर कर दूंगा, तो ये डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। और अगर ये सीधी घूम रही है तो ये अभी सीधी है, और हमको उल्टा घुमाना है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं मोटर को, और ये वायर हमने यही सेम इधर जो फेज सिक्वेंस चेंज करते थे हम, मान लो एक बार इसको भूल जाएं, आपकी मोटर ये ऐसे चल रही है सीधी, तो अगर ये उल्टी चल रही है तो आपको इसको सीधा करना है, तो आप दो फेज उठा के कर देंगे तो ये सीधी चलेगी, और अगर ये सीधी चल रही है आपको उल्टा चलाना है, इसको भूल जाएं आप, तो इसमें से यहाँ से दो फेज चेंज कर देंगे तो ये उल्टी घूम जाएगी। तो हमने किया है यही रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर और यूज़ किया है और कुछ नहीं किया है, और इधर से ये फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया है, जो मतलब इधर रेड येलो ब्लू सीधे में फॉरवर्ड में चल रहा है तो रेड येलो ब्लू दे दिया, और इधर उल्टा घुमाने के लिए इधर से आर वाई बी है, जो हमने वाई की जगह बी दे दिया है और बी की जगह येलो दे दिया, मतलब ब्लू की जगह येलो, येलो की जगह ब्लू दे दिया, तो हमारा इस तरह से ये वर्क करने लगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये मेरे वीडियो। लाइक आए तो प्लीज, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।